एक तेज रफ्तार दौड़ती कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। कार महंगी थी लिहाजा ड्राइवर के सिक्योरिटी के लिए अच्छे एयरबैग थे, जिसके चलते कार में बैठे शख्स को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन मोटरसाइकिल से जा रहे लड़के लड़की की मौत हो गई। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान। मौके पर इकट्ठा हुए लोग जब कार की ओर दौड़े तो पता चला कार चलाने वाला लड़का एक नाबालिग है। लड़का नशे में था, वो भागने की कोशिश करता है लेकिन भीड़ उसे पकड़कर पुलिस को सौंप देती है। लड़के को कुछ घंटों के बाद बेल पर छोड़ दिया जाता है। मृतक का परिवार सजा की मांग कर रहा है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब सवाल है, आखिर लड़के को पुलिस रिमांड में भेजने की जगह कोर्ट ने बेल क्यों दे दी? आखिर किन शर्तों पर दी? गाड़ी में ड्राइवर होने के बावजूद भी नाबालिग लड़का गाड़ी क्यों चला रहा था? आखिर इन दो लोगों की मौत की सजा उसे क्या मिलेगी? एक एक कर सब बताते हैं। महाराष्ट्र के पुणे का कल्याणी नगर लेट नाइट पार्टियों के लिए मशहूर है। यहाँ देर रात बार और पब खुले रहते हैं। कई बार यहाँ रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ देर रात सड़कों पर तेज़ रफ्तार से भागती गाड़ियाँ अक्सर नजर आ जाती हैं। इसके चलते कई हादसे पहले हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 18 और 19 मई की दरमियानी रात। इंडिया टुडे के रिपोर्टर कृष्ण पंचाल की रिपोर्ट के मुताबिक रात के तकरीबन 2:30 बजे थे। कल्याणी नगर के एक पब में पार्टी करके अश्विनी कोष्टा और अनीश अवधिया बाइक से वापस लौट रहे थे। जब वो कल्याणी नगर के लैंडमार्क सोसाइटी के पास पहुंचे तभी एक ग्रे कलर की तेज़ रफ्तार पोर्शे कार बाइक को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोर की कि अश्विनी जमीन पर गिरने से पहले कुछ देर हवा में रहती। अनीश को गहरी चोटें आती और अगले कुछ पलों में उनकी मौत हो जाती। आनन फानन में लोग अश्विनी को अस्पताल ले जाते लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो जाती। पुणे टाइम्स मिरर की खबर के मुताबिक पोर्शे कार एक 17 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था। इस कार की कीमत 5,20,00,000 है। कार चला रहे लड़के ने मौके से भागने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़के को पुणे की हॉलिडे कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। उसे एडल्ट मानकर उससे पूछताछ करने की इजाज़त मांगी लेकिन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को रिमांड देने से मना कर दिया, साथ ही कुछ शर्तों पर उसे बेल दे दी। शर्त, सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान टॉपिक पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखने की, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने की, मनोचिकित्सक को खुद को दिखाकर इलाज करने की। मृतक अनीश अवधिया के अंकल ने नाबालिग आरोपी को जमानत दिए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि बेल की जो शर्तें हैं वो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा, आरोपी जो जुवेनाइल बोलकर छोड़ दिया गया है, जो बेल की कंडीशन है वो 5वीं क्लास के बच्चों को भी पढ़ा दिया जाता है। आरोपी 3 करोड़ की कार चलाता है, अगर कोई आम आदमी होता तो फंस जाता। बिजनेस टाइकून का बेटा है इसलिए छूट गया। आपको बताते चलें कि नाबालिग लड़का एक बड़े बिल्डर का बेटा है। पुलिस आईपीसी की धारा 304 शारीरिक चोट जिसमें परिणाम स्वरूप मृत्यु होने की संभावना है के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं लड़के के पिता पर मोटरसाइकिल अधिनियम 1988 की धारा 3, 5, 119 के तहत FIR दर्ज की गई है। इसी के साथ पुलिस ने लड़के के पिता और बार जिसने नाबालिग को शराब सर्व की है उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 और 77 के तहत केस दर्ज किया है। पुणे टाइम्स मिरर की खबर के मुताबिक नाबालिग ने कुछ वक्त पहले ही CBSE बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की है। पास होने की खुशी में ही वो अपने दोस्तों को कल्याणी नगर के मैरियट स्वीट्स के ब्लैक पब में पार्टी दे रहा था। वहां उसके दोस्तों ने शराब पी, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। वहां से निकलने के बाद उसने ड्राइवर को साइड वाली सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग करने की बात कही। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक मौके पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि मैं रिक्शा लेकर खड़ा था, तभी एक बाइक से लड़का लड़की सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान तेज दौड़ती हुई पोर्शे कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, कार में 3 लड़के थे। कार की स्पीड बहुत तेज थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक अश्विनी कोस्टा और अनीश अवधिया दोनों पेशे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों पुणे की एक IT कंपनी में नौकरी कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही अश्विनी कोस्टा ने नौकरी छोड़ी थी, वो नई नौकरी की तलाश कर रही थी। कल्याणी नगर में देर रात पब और क्लब खुले रहने के खिलाफ यहाँ के लोगों ने कई बार शिकायत दर्ज की है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार और पब में नाबालिग को शराब सर्व करना गैरकानूनी है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का कहना है कि हॉलीडे कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे। हम लड़के के रिमांड की मांग कर रहे हैं। एक्सीडेंट की घटना में हमने 304 IPC तहत गुना दाखिल किया था। ये जुवेनाइल था, इसलिए हमने कोर्ट को एप्लीकेशन किया था कि परमिशन दी जाए ताकि इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। कोर्ट ने ये परमिशन रिजेक्ट किया था। आज हम उस आदेश के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर रहे हैं और कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो उसके फादर हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट जिसने
अंडर एज होने के बावजूद लिकर सर्व किया, उनके विरुद्ध अलग से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुनाह दाखिल की गई है, जिसको क्राइम ब्रांच तपास कर रहा है। हम दोनों प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, और जो कल्याणी नगर एरिया इन पर्टिकुलर या गुना शहर इन जनरल में जो इश्यूज इनके हैं या अंडर एज लोगों को जो सर्व की जा रही है लेकर, उसके विरुद्ध हम आवश्यक कार्रवाई संबंधित विभाग के साथ मिलकर करने वाले। नाबालिग लड़के ने शराब पी थी, ये सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। पुलिस कमिश्नर लड़के को एडल्ट ट्रीट करते हुए उससे पूछताछ करने की मांग कर रहे हैं। जिस बार ने नाबालिग को शराब दी उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी तक की कार्रवाई देखे तो एक नाबालिग जिस पर दो लोगों की मौत का आरोप है उसे कुछ शर्तों पर बेल मिल गई है। पुलिस उसके रिमांड की कोशिश कर रही है। रिमांड मिलेगी या नहीं पता चलने पर वो भी आपको बताएंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई हमारी साथी श्वेता ने। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल अल्टाओ। शुक्रिया।